राजधानी रांची का सनातन महापंचायत ने भी सभी अखाड़ों को सहयोग करने और रामनवमी की भव्यता को इस वर्ष और भी आकर्षक बनाने का निर्णय लिया है। महापंचायत की इस विषय पर एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से रांची के सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें इसके वॉलंटियर्स के साथ साथ पदाधिकारियों ने तैयारी की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद संजय सेठ ने कहा कि रामनवमी का जुलूस मर्यादित होना चाहिए, इसमें हमारी संस्कृति की झलक दिखनी चाहिए। वहीं रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रामनवमी के जुलूस में अखाड़ों द्वारा खेल कूद की परंपरा रही है, जिसे और भी आकर्षक बनाने की जरूरत है। महापंचायत के द्वारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक पर्व त्यौहार के अवसर पर उनका मनोबल कैसे बढ़े और विधि विधान के साथ कैसे पर्व को मनाए, ये प्रेरित करने का काम किया गया। क्योंकि अभी रामनवमी का त्यौहार है, तो रामनवमी के त्यौहार में पहले जिस प्रकार से अखाड़ा में खेल कूद होता था, वो तो धीरे धीरे कुछ लुप्त हुआ है, उसे पुनः कैसे जागृत किया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। और हम सब सनातनी हैं, इसका हमें गर्व है, और सनातन धर्म में हम सब बजरंग बली को याद करते हैं। तो कहा गया है कि कहीं पर नीला, कहीं पर पीला, कहीं पर झंडा लाल है, इस झंडे को रोकने वाला देखते हैं कौन माई का लाल है। बोलो बोलो बजरंग बली की जय। जय श्री राम। सनातन महापंचायत एक सनातनी धर्म की जो हम अपने त्यौहार मनाते हैं, उस त्यौहार में जोर शोर से मनाना, उत्साह, और जब हम त्यौहार मनाते तो उसमें कुछ अब कुछ नॉर्म्स होने जाएंगे। कोई नशा पान करने वाला व्यक्ति, कोई हम कह सकते हैं कि ऐसे गीत बजाना, पूरी तरह प्रतिबंधित। और इसीलिए सनातन महापंचायत का गठन हुआ कि हमारे जो त्यौहार होंगे वो पूरे अनुशासित होंगे। अब रामनवमी का महापर्व प्रभु श्री राम के, जब प्रभु श्री राम अपने झोपड़पट्टी से महल में आए, भगवान श्री राम आज इस पृथ्वी पर अयोध्या में अपने घर पे विराज गए, उसके बाद पहली बार देश रामनवमी मनाने जा रहा है। और रामनवमी हिंदुस्तान में हम कह सकते हैं कि शोभा यात्रा में रांची और हजारीबाग दो बड़े ऐसे केंद्र जहां लाखों की तादाद में रामनवमी के अवसर पर हमारे अखाड़ी दर, हमारे लाखों लोग रामनवमी के पर्व पर जुलूस में शामिल होते हैं। और आज इस मौके पर जब हम सब अखाड़े दार यहाँ मौजूद हैं, उनको जब हम सब झंडे दे रहे हैं, और सनातनी जो महापंचायत है, ये नहीं सिर्फ रामनवमी में, अब आगे भी जितने भी सनातनी धर्म के जितने भी पर्व आएंगे, यह महापंचायत उस पर अपनी सक्रिय भूमिका अदा करेगा। और जहाँ तक हम ये कह सकते हैं, ये सनातनी धर्म जो महापंचायत है, वह एक गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में संस्था के काम करेगी।